हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है नविश गार्डन में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पौधों में फंजीसाइड पाउडर का यूज किस तरीके से कर सकते हैं, जिससे आपके पौधों में फंगस लग जाती है उस फंगस से हम किस तरीके से अपने पौधों को बचा सकते हैं सर्दियों के बाद, या फिर फरवरी माह के बाद जो फंगस लगती है उससे हम पौधों को किस तरीके से बचाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैंने ये एक फंजीसाइड पाउडर लिया है, जो कि आपको आसानी से लोकल मार्केट से मिल जाएगा। जहाँ पर बीज वगैरह की शॉप्स होती हैं, वहाँ से ये आपको आसानी से मिल जाएगा। आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं दोस्तों, ये साफ कंपनी का, और भी कई सारे आते हैं, जैसे कि मेरे पास ये स्टारलेट का है, तो अच्छा फंजीसाइड पाउडर है जिससे फंगस बहुत कम लगती है दोस्तों। तो इस तरीके से आप एक पैकेट ला करके उसको किसी बर्तन या डब्बे के अंदर डाल लीजिए, जो कि कम से कम 2 से 3 बार तक तो आराम से चली जाएगा। अगर आपके पास क्वांटिटी ज़्यादा है गमलों की, तो आप बड़ा पैकेट ले लीजिए। अगर आपकी गमलों की क्वांटिटी कम है, तो आप छोटा पैकेट ले लीजिए दोस्तों। अब उसको देने का तरीका क्या है? देने का तरीका है, सबसे पहले आप पौधे की गुड़ाई कीजिए, इस तरीके से मिट्टी की गुड़ाई कर लीजिए। ये मैंने पहले से भी गुड़ाई कर रखी है, ये आपको दिखाने के लिए मैं इसमें थोड़ी सी गुड़ाई करके दिखा देता हूँ दोस्तों। इस तरीके से मिट्टी को नरम कर लीजिए। बिल्कुल नरम करने के बाद आप अगर 12 इंची का एक पॉट है, तो उसमें कम से कम भी एक चम्मच जो है फंजीसाइड पाउडर की, इस तरीके से एक चम्मच आप ले लीजिए, और एक चम्मच जो है वो आप इसके अंदर डालिए, और इसको स्प्रिंकल कीजिए बिल्कुल गमले की दीवार के साथ साथ। इसको पौधे की जो स्टेम है, इसको नहीं टच होना चाहिए, ये बिल्कुल दूर दूर पौधे के जो दूर रहना चाहिए, ताकि कोई भी नुकसान इसका पौधे पर ना हो दोस्तों। और उसके बाद फिर मिट्टी में इस तरीके से आप इसको मिक्स कर दें थोड़ा सा, ताकि ये अलग से ना दिखे। और मिट्टी में मिक्स करने के बाद ये जब भी आप पानी देंगे, उसके बाद ये पानी के साथ डिजोल्व होकर के नीचे तक चला जाएगा। तब तक ये जो है हवा के साथ भी, और पौधे के द्वारा जो एनर्जी ली जाएगी उसके द्वारा भी ये नीचे तक जाता रहेगा, और धीरे धीरे अपना रिजल्ट जो है वो दिखाता रहेगा। इस तरीके से आप एक एक चम्मच जो है अपने सभी पौधों के अंदर इसको डाल दीजिए दोस्तों। फंजीसाइड डालने का सबसे बेस्ट टाइम होता है, एक तो बारिश के बाद दोस्तों, जब बारिश होकर के रुक जाती है उस टाइम पर हम इस पाउडर का यूज़ करते हैं, या फिर जब सर्दियां ख़त्म होने के होती हैं, यानी कि फरवरी माह में। अब जो फरवरी का महीना चला हुआ है, इसके बाद जो है मौसम में थोड़ी सी गर्माहट आ जाएगी, यानी कि गर्मियां थोड़ी थोड़ी सी स्टार्ट हो जाएंगी, और पौधे भी जो है वो डोरमेंसी से निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी तक जो पौधे थे वो डोरमेंसी में थे, मतलब डोरमेंसी का ये है कि ना तो कुछ खाद पानी ले रहे थे, बस ऐसे ही नीरस पड़े थे, इनके अंदर कोई भी ग्रोथ नहीं थी। अब धीरे धीरे इनके अंदर ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, तो इनको सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और फंगस भी अभी जो है एक्टिव होगा दोस्तों। जैसे ही गर्म टाइम आएगा, उस टाइम पर फंगस जो है मिट्टी का वो एक्टिव हो जाता है, और जिस वजह से आपके पौधों को नुकसान होना बहुत ही आसान हो जाता है, ताकि क्योंकि मिट्टी जो है नरम होती है और गीली भी रहती है, इस टाइम पर हवा में भी मॉइस्चर होता है, फंगस आसानी से अटैक कर सकता है। इससे बचने के लिए ही हम जो है किसी भी फंजीसाइड पाउडर का यूज करें तो बेटर रहेगा। और ये आपको दो ही टाइम पे डालना है, एक बार जो है आप फरवरी के बाद डाल दीजिए, और दूसरा जब बारिश ख़त्म होती है तब डाल दीजिए दोस्तों। यानी कि 6 महीने के गैप पे आपको इसको डालना होता है। इसके बाद फिर आप रूटीन में जैसे भी अपने पौधों के ऊपर जो भी छिड़काव करते हैं पेस्टिसाइड का, या फिर कोई भी और स्प्रे, नीम ऑयल वगैरह का जो छिड़काव करते हैं ऊपर पौधों के ऊपर लगने वाले फंगस से बचाने के लिए, तो वो आप रेगुलर यूज कर सकते हैं जैसे भी आप करते हो। मैं तो अपने पौधों के ऊपर जो है वो 15 दिन में एक बार जो है स्प्रे इसके ऊपर नीम ऑयल का कर देता हूँ, ताकि इनके ऊपर भी फंगस ना लगे। पाउडर जो है ये मिट्टी का सॉल्यूशन करेगा दोस्तों, मिट्टी में जो फंगस होगी उसको हटाएगा। और अगर किसी पौधे के ऊपर ज़्यादा ही फंगस लगा हुआ है, तो आप इसको पानी में डिजोल्व करके इसका स्प्रे भी कर सकते हैं उस पौधे के ऊपर, उससे भी इसके अंदर राहत मिलेगी दोस्तों। आपको जो है जितने भी इसके ऊपर कीड़े लगे होंगे वो मर जाएंगे, और ज़्यादा इसका रिजल्ट जो है वो जड़ों के अंदर या फिर मिट्टी के अंदर ही देखने को मिलता है। ये बच्चों की पहुंच से थोड़ा सा दूर रखें, क्योंकि नुकसानदायक होता है दोस्तों। अगर आपके घर में कोई पेट है, जानवर हैं, तो आप उनसे भी इसको दूर रखें, अगर वो इनको चाट लेंगे तो भी नुकसान हो सकता है। इसलिए थोड़ी सी देख रेख में इसका यूज करें, 2 या 3 दिन के बाद ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर इस तरीके के पौधे हैं जिसके अंदर हम गुड़ाई नहीं कर सकते, यानी कि फूलों वाले जो हमारे पौधे हैं, या फिर हमारी ट्रे हैं, बास्केट्स हैं जो भरी हुई हैं, उनके अंदर हम गुड़ाई भी नहीं कर सकते, तो इसके अंदर फंजीसाइड कैसे डालें? उसके लिए आप इसको एक चम्मच को कम से कम भी 1 लीटर पानी के अंदर ऐसे घोल लें, आधा चम्मच घोल लें ज़्यादा से ज़्यादा, 1 लीटर पानी के अंदर उसको घोल के अच्छे से इसको इसके अंदर डिजोल्व कर लें। और इसके बाद इस पानी का यूज जो है आप इसके अंदर करें, पानी के माध्यम से पौधे को ये दें, ताकि उसके अंदर
आसानी से ये मिट्टी के अंदर चला जाए और आपके फंगस से इसको छुटकारा मिल जाए। तो इस तरीके से आप सारी जगह पे थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल दें, इससे क्या होगा ये सारी जगह से चला जाएगा। किसी एक ही जगह पे पौधे के ऊपर मत डालें इसको, क्योंकि लगातार एक जगह डालने से क्या होगा सारा पाउडर एक जगह ही मिट्टी के द्वारा सूख जाएगा। इसलिए इसको अलग अलग जगह पे पौधे में डालें, थोड़ा सा गैप दे दे करके, ताकि ये सारी जगह पर इक्वल मात्रा में पड़े, एक ही जगह पर इकट्ठा ना हो। क्योंकि पानी जब नीचे चला जाएगा तो ये तो मिट्टी के ऊपर ही रहना है, ये नीचे तो जाएगा नहीं। इसलिए आप इसको जो है इस तरीके से दें ताकि ये मिट्टी के अंदर तक ना जाए, ऊपर सारी जगह पे फैल जाए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लाता रहता हूँ दोस्तों। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे चैनल पर और भी इससे रिलेटेड वीडियोज़ हैं उनको भी ज़रूर देखें।